मोदी विरोधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों ही इन चुनावों को जीतने के लिए पूरी ताकत लगाते हुए नजर आ रहे हैं। पीएम जोर शोर से हिंदुत्व की बात करते हैं, चार जातियों की बात करते हैं, अपने आप को ओबीसी बताने में भी परहेज नहीं करते हैं। राहुल गांधी भी जातियों की बात करते हैं। राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोलते हैं। पीएम मोदी की जाति धर्म और राहुल गांधी की जाति धर्म का कांटा किधर घूम रहा है, इस रिपोर्ट से समझिए। चार जून का धर्म काटा किसके फेवर में जा रहा है? दर्शन हो गया बच्चा, पहली बार दर्शन किए राम जी? पहली बार, बस पहली बार बच्चा किया, पहली बार। कैसा लगा दर्शन? बहुत अच्छा लगा, जिंदगी में पहली बार किया, बहुत खुशी मिली। सबसे बड़ी बात कि इन्होंने राम मंदिर का निर्माण कराया, और इनके जो सबसे अच्छी बात इनकी है, ये एक मतलब ऐसे का नेता है जो सभी की भाव मतलब बातें अपने चरणों में रखते हैं। फिलहाल तो मोदी जी चल रहे हैं, है तो वही अच्छे हैं। बस यही राम मंदिर जो बनी है ना, सबसे ज्यादा यही पसंद आती है। अब के अगर इस बार फिर से प्रधानमंत्री बन गए तो बिल्कुल देश में बहुत अच्छा विकास हो जाएगा, इससे भी आगे जाएगा। क्या है स्थिति राजस्थान में चुनाव की, कौन जीत रहा चुनाव आप लोग के इलाकों में? मोदी जी आएंगे। हिंदू वोट एकजुट होकर मोदी को पढ़ रहा है या जाति के नाम पर बट रहा है? बिहार में क्या स्थिति है चुनाव की भाई? चुनाव की स्थिति अभी सही है, एनडीए को ही जाएगा वोट इस बार। एनडीए को वोट जा रहा है, क्या कारण है? क्योंकि जो मोदी वादा करता है वो पूरा भी करता है। क्या स्थिति है हरियाणा में, चुनाव का क्या माहौल है? बहुत अच्छा है, इतना अच्छा है कि बस खुशी की तो बस पूछा ही मत। ग्वालियर से आए हैं, मंदिर में दर्शन हो गए? हो गए सर, अब मोदी जी के लिए रुके हुए हैं। मोदी जी के लिए रुके हुए हैं, हो गए हैं, लेकिन मोदी जी को देखना है। मोदी जी को देख के जाएंगे। दर्शन कर लिए प्रभु के? एकदम बिल्कुल अच्छे से। बहुत पहली बार अयोध्या आई है? जी हाँ, सेकंड टाइम है आज। मोदी जी आ रहे हैं, मोदी जी तो छोड़ो, वो तो हमारे राम है, राम भी ले आए। वो तो क्या नाम है? हमारा नाम अर्जुन नायक है, हम उड़ीसा से आए हैं बरमपुर से। दर्शन हो गए? दर्शन हो गए, लेकिन अब हम जगह है मोदी जी को दर्शन करने के लिए। सैंपल आपके सामने है, और ये सैंपल ऑल इंडिया का है। यकीन मानिए, इससे बड़ा सैंपल कोई हो ही नहीं सकता। कोई पटना से आया है, कोई ग्वालियर से, कोई पंजाब से, तो कोई ओडिशा से, कोई यूपी के ही दूसरे इलाकों से है। एक बात तो समझ में आ रही है, मोदी फैक्टर ही सबसे बड़ा फैक्टर है, और 24 के चुनाव में मोदी सबसे मेन कैरेक्टर हैं। हर कोई मोदी मोदी क्यों कर रहा है, मैसेज स्पष्ट है। सबसे बड़ा मुद्दा राम मंदिर है, और जो राम को लाए हैं ये उनको लाएंगे, और ये बात एक स्वर में समझ में आ रही है। आपका नाम बताइए, कहाँ से भाई? सब मनी पटियाला, पंजाब से। पटियाला से हैं, क्या स्थिति देख रहे हैं सब पटियाला में? पटियाला में इस बार है मतलब बीजेपी की सरकार पूरे बनने के पूरे चांस है। वैसे तो नॉर्मली तो वहाँ पे आम आदमी की सरकार है, बट इस बार मोदी जी के राम मंदिर के 400 पार हो जाएगा। ज्योतिष के लिहाज से या जो देख रहे हैं उसके लिहाज से? दोनों के लिहाज से, मैं ज्योतिष के हिसाब से जो मेरी गणना है उसके हिसाब से भी 400 पार हो रहे हैं, और जो मैं देख रहा हूँ महाराष्ट्र यहाँ उत्तर प्रदेश तक आते हुए, रोड ट्रेन में बात करते हुए, गाड़ी में बात करते हुए, हर जगह बात करते हुए। अब आपको लगता होगा कि जब हर तरफ राम राम हो रहा है, जब मोदी मोदी का माहौल है, तो जाति की बात क्यों हो रही है? मुसलमानों के आरक्षण की ढपली क्यों बजाई जा रही है? क्यों विरासत के सर्वे की बात हो रही है? कौन कौन नेता ये कर रहे हैं, और किस किस अंदाज में कर रहे हैं, और ये सब करने की वजह क्या है? राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव इंडी अलायंस के ही नेता हैं, जो सबसे ज्यादा जाति, विरासत, मुसलमान पर लाउड हैं। जबकि मोदी, योगी और अमित शाह, ये तीन लोग हैं जो जाति की बात एकदम नहीं कर रहे, इनकी बातों में धर्म की बात ज्यादा है। आप याद कीजिए, 5 साल पहले कांग्रेस का शाही परिवार चुनाव के समय मंदिर मंदिर घूम रहा था। कोई कहता था इस कोने में मंदिर है, अरे बोलो चलो भाई। कांग्रेस के शहजादे ने तो कोर्ट के ऊपर
जनेऊ तक पहन लिया था, लेकिन इस बार मंदिर के दर्शन बंद, कोर्ट के बाहर टंगा जनेऊ उतर गया। इतना ही नहीं, 500 साल बाद एक ऐतिहासिक पल आया, पूरा देश भव्य राम मंदिर बनने से खुश हुआ, लेकिन इन्होंने प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण भी ठुकरा दिया। मोदी, योगी, अमित शाह अगर तीनों रिजर्वेशन की बात करते भी हैं, तो ये भी क्लियर कर देते हैं कि मुसलमानों को रिजर्वेशन नहीं मिल सकता। रिजर्वेशन मिलेगा तो 50% आरक्षण ओबीसी, दलित, आदिवासी को ही मिलेगा। कांग्रेस वाले सुन ले, उनके चट्टे बट्टे सुन ले, उनकी पूरी जमात सुन ले, जब तक मोदी जिंदा है मैं संविधान का दलितों का आरक्षण, आदिवासियों का आरक्षण, ओबीसी का आरक्षण मुसलमानों को धर्म के आधार पर नहीं देने दूंगा, नहीं देने दूंगा, नहीं देने दूंगा। ये तीनों उसी 80% में आते हैं जिसमें नरेंद्र मोदी को लगता है कि ये उनके कोर वोटर हैं, पक्का वाला वोट है। बाकी जो 20% वोट बच गया है, उसमें से मोदी को अपनी गारंटी पर भरोसा है। और बीजेपी मानकर चल रही है कि इसमें से 1 या 2% वोट तो आएगा ही। और जो 20% वाला वोट है, बेसिकली राहुल गांधी के फिक्स डिपॉजिट हैं या इंडिया अलायंस के फिक्स डिपॉजिट में जा रहे हैं। राहुल गांधी, ये बात सब जानते हैं कि लड़ाई अगर 80-20 की हुई तो कौन जीतेगा, लेकिन अगर ये लड़ाई 80-20 की नहीं हुई तो क्या होगा? 400 सीट का टारगेट मुश्किल होगा। इसीलिए राहुल गांधी इस लड़ाई को 50-50 पर करना चाहते हैं। आपने बोल दिया कि भैया तकरीबन 50% आबादी है, मगर भागीदारी कितनी है कोई नहीं बता सकता। तो हम जाति जनगणना करने जा रहे हैं। जाति जनगणना मतलब इनको पता लग जाएगा कि ओबीसी वर्ग के प्रेस में इतने लोग हैं, कॉर्पोरेट इंडिया में इतने लोग हैं, जुडिशरी में इतने हैं, आर्मी में इतने हैं, हमारी भागीदारी कितनी है वो भी पता लग जाएगा, और हमारे लोग कहां बैठे हैं, कितने बैठे वो भी पता लग जाएगा। मतलब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आजकल क्या हो रहा है, आजकल आपको आपका बेवकूफ बनाया जा रहा है। आपको बड़ी बड़ी लंबी बातें बोली जाती हैं। राहुल अपना सीट शेयर 2019 से ऊपर ले जाना चाहते हैं, इसीलिए 50-50 फार्मूले की बात कर रहे हैं। राहुल का भी फोकस 80% वोट पर है, लेकिन ये 50-50 होगा कैसे? राहुल गांधी चाहते हैं कि जो नरेंद्र मोदी से नाराज हैं, जो नरेंद्र मोदी को वोट नहीं करता, 20-30% वोट इधर उधर गया और उसने अगर मोदी को कम से कम वोट दिया तो 50-50 तो हो ही जाएगा। इसीलिए वो पहले जाति वाला फार्मूला लेकर आ गए, लेकिन अब इनको लग रहा है कि एक से काम नहीं चलेगा, 50% एक से नहीं आएगा, इसीलिए अब वो दूसरा सर्वे करवा रहे हैं, पहले जाति वाला और अब दूसरा गरीब वाला। आपको अपनी भागीदारी के बारे में मालूम ही नहीं कि हिंदुस्तान का धन जो है उसका कितना भाग आपके हाथ में, आपको मालूम नहीं। आपको बड़ी बड़ी लंबी बातें बोली जाती हैं, मगर जो मेन इशू है, हिंदुस्तान का धन कितना है, कहां है, किसके हाथ में है, ये मेन सवाल है।
तो जाति जनगणना से पूरे देश को पता लग जाएगा कि हिंदुस्तान का धन कहां है, किसके हाथ में है, पिछड़ों के हाथ में कितना, दलितों के हाथ में कितना, गरीब जनरल कास्ट के हाथ में कितना, महिलाओं के हाथ में कितना, पूरा साफ हो जाएगा सबके सामने। उसके बाद न्यू पॉलिटिक्स शुरू होगी। उसके बाद ये स्टेज पे ऐसे कभी नहीं खड़े होंगे। अभी ये कह रहे हैं भैया मुझे नहीं मालूम, तब कहेंगे भैया मेरे 50% लोग हैं, मेरे 2% धन है, मुझे 50% धन चाहिए, सीधी सी बात होगी। तो ये हमारी सोच है। जाति जनगणना पहला कदम है, और ये सिर्फ जाति जनगणना नहीं होगा, ये इकोनॉमिक सर्वे होगा, मतलब हिंदुस्तान में धन जो है वो किसके हाथ में है, और हर संस्था का सर्वे होगा। अब इससे होगा क्या? राहुल को लग रहा है कि ये 50-50 फार्मूला काम कर गया तो मोदी का 400 लटक जाएगा और उनका काटा 52 से 100 तक पहुंच जाएगा। 2019 में मोदी को 37% वोट मिला था, मोदी को 303 सीटें मिली थी, 400 सीट पाने के लिए 45% का वोट चाहिए। राम मंदिर के बनने से 8% वोट बढ़ा है। राहुल गांधी की पार्टी को 19% वोट मिला था, राहुल गांधी को 10% वोट बढ़ाना है ताकि वो 100 तक पहुंच जाएं। लेकिन बीजेपी कह रही है इससे कुछ नहीं होगा, आ तो मोदी सरकार ही रही है। भाइयों बहनों, आप मुझे बताओ, क्या शरद पवार जी प्रधानमंत्री बन सकते हैं क्या? जोर से बोलो, शरद पवार जी प्रधानमंत्री बन सकते हैं क्या? घटिया जब ममता बनर्जी बन सकती है क्या? स्टालिन बन सकते हैं क्या? उद्धव ठाकरे बन सकते हैं क्या? अब मैं एक नाम और बोलने जाता हूं, हंसना मत भाइयों, जरा भी मत हंसना। मैं एक और नाम बोलने जाता हूं, राहुल बाबा बन सकते हैं क्या? भाइयों और बहनों, इनके साथ प्रधानमंत्री पद का कोई कैंडिडेट ही नहीं है। मैं आज बताकर जाता हूं, पूरे देश ने तय किया है कि तीसरी बार मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाना है। यूपी में तो राम राम चल रहा है, मोदी मोदी गूंज रहा है, यही पूरी इंडिया अलायंस को अखर रहा है। धर्म जाति का चैप्टर बिहार में भी पढ़ा जा रहा है। बिहार में इंडिया अलायंस के फ्रंटमैन तेजस्वी हैं। तेजस्वी के भाषण में धर्म की बात हो रही है तो मुसलमानों की भी हो रही है, आरक्षण की भी बात हो रही है, जबकि मोदी का फोकस सनातन है, विकास है, आरक्षण है तो ओबीसी दलित आदिवासी का है। प्रधानमंत्री ने बिहार में ओबीसी दलित पिछड़ों के आरक्षण पर डाका डालने का कांग्रेस आरजेडी पर आरोप लगाया तो सबसे ज्यादा तेजस्वी को गुस्सा आया। तेजस्वी कर्पूरी ठाकुर को लेकर आ गए, ढाल बनाकर मुस्लिम आरक्षण को सही बता गए। वहाँ भी आपको बात उन्होंने किया कि बिहार में है, मतलब बुजुर्ग पीड़ ज्यादा है, इसलिए हमको जो है शहजादा कह रहे हैं, तो इसमें कौन सी बुरी बात है? ठीक है प्रधानमंत्री जी, लेकिन आप पीर ज्यादा हैं, झूठ ज्यादा है, सच कम है। और जो पहला दो फेस का जो चुनाव हुआ, एक तरफा हुआ आरजेडी के पक्ष में, महागठबंधन के पक्ष में, और ये वाला जो फेज है इसमें तो बीजेपी के होश नींद सब उड़ चुके हैं। और हम अपने अनुभव से कह रहे हैं कि इतना अच्छा रिस्पांस सब जाति सब धर्म का अब तक लोकसभा के चुनाव में हमने नहीं देखा, जिस हिसाब का रिस्पांस मिल रहा है। हम कॉन्फिडेंस नहीं है, पूरी तरीके से अब श्योर हो चुके हैं कि हम चुनाव जीत रहे हैं। बिहार में एनडीए का सफाया और केंद्र में इंडिया की सरकार बनने जा रही है। बिहार में जाति धर्म चल रहा है, शहजादा पीरजादा चल रहा है, जबकि यूपी में राम राशन शासन और रिजर्वेशन चल रहा है। यूपी में मोदी योगी इस मुद्दे पर सबसे ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं। ये वो फॉर्मूला है जिसका जलवा पूरे देश में चल रहा है। ये सपा कांग्रेस वाले क्या कर रहे हैं, ये चुनाव लड़ रहे हैं अपने भविष्य के लिए,
अपने बच्चों के भविष्य के लिए और मोदी किसके लिए खप रहा है। मैंने तो आगे पीछे कुछ रखा ही नहीं है। योगी जी भी वैसे है और मोदी जी भी ऐसे है। ये मोदी योगी खप क्यों रहा है? हमारे तो बच्चे हैं नहीं। हम खप रहे हैं आपके बच्चों के लिए, हम खप रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य बनाने के लिए। इन परिवारवादियों की विरासत क्या है? इनकी विरासत गाड़ी, बंगला, राजनीतिक रसूख, कोई मैनपुरी, कन्नौज और इटावा को अपनी जागीर मानता है, कोई अमेठी रायबरेली को अपनी जागीर मानता है, लेकिन मोदी की विरासत गरीब का पक्का घर है। मोदी की विरासत देश की करोड़ों माताओं बहनों को मिला शौचालय है। मोदी की विरासत दलित पिछड़ों को मिला बिजली, गैस, नल, ये जो सुविधा है ना, वो मोदी की विरासत है। मोदी की विरासत गरीबों को मिला मुफ्त अनाज है। शाही परिवार का वारिस ही पीएम सीएम बनेगा, ये कुप्रथा इस चाय वाले ने तोड़ दी है। हमारे यहां कभी राजा राम मोहन राय का नाम आता है कि भाई उन्होंने फलानी कुप्रथा तोड़ दी, वैसे कभी आएगा कि देश में एक प्रधानमंत्री होते थे, चाय वाले थे और उसने एक ऐसी कुप्रथा को तोड़ दिया कि गरीब का बेटा भी मुख्यमंत्री बन सकता है, गरीब का बेटा भी प्रधानमंत्री बन सकता है। भाइयों और बहनों, सपा कांग्रेस की बातें झूठी, वादे भी झूठे हैं, सपा कांग्रेस के नारे झूठे और नियत में भी खोट। राम राशन, शासन और रिजर्वेशन बीजेपी के लिए 80 सीट का सेटिस्फेक्शन है। जो हमारा जो इस समय का माहौल है ना, वो मोदी जी ने बहुत बढ़िया किया है, खास करके सनातन के लिए। हम जहाँ भी जा रहे हैं बिल्कुल खुले मन से जा रहे हैं, और हमारी बेटियां हैं, किसी भी पक्ष से लगा लो, बहनें हैं, खुले मन से जा रही हैं, कोई दिक्कत नहीं है उनको। मतलब कि हमारी जो मोदी सरकार है, बीजेपी सरकार है, इतना बढ़िया, हर छोटे बच्चे से लेके बुजुर्ग तक जय श्री राम के नारे का गूंज बज रहा है। योगी जी की क्या इमेज है वहाँ पे? मैं कहा जी सर, उनका जो बुलडोजर है ना जी, बुलडोजर की मेज पूरे बाबा जिंदाबाद जी, मतलब उनकी बुलडोजर की जो मेज है ना जी, पूरे मतलब ये पूरे पंजाब, अयोध्या, ये पूरे पूरे मतलब विषम में है जी। उनका बुलडोजर का नाम सुनते ही ना, मतलब जो अपराधी है वो थर थर कांपने लगते हैं जी। इसीलिए तो हम कह रहे हैं ना कि अब की बार 400 पार बुलडोजर का नाम आता है तो आधे बुलडोजर के बारे में बाद में सोचता, पहले योगी जी के बारे में सोचने लगता है। बिल्कुल सही बात है जी, माफिया तो थर थर कांपता है उससे। और अखिलेश यादव को इसी से सबसे ज्यादा टेंशन है। हम अपने गरीबों को भरोसा दिला के जा रहे हैं, अगला इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, राशन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, लेकिन गुणवत्ता उसकी राशन की अच्छी होगी, राशन अच्छा दिया जाएगा। और जिस तरीके से बाजार में संपन्न लोग, बड़े लोग पैकेट का आटा खा रहे हैं, वो स्वादिष्ट भी है,
उसकी गुणवत्ता भी अच्छी है, कई आटे पौष्टिक भी हैं। इसलिए अपने गरीबों को मैं भरोसा दिला के जा रहा हूं, राशन की तो गुणवत्ता ठीक करेंगे ही करेंगे, बढ़ा भी देंगे, लेकिन इसके साथ साथ हम लोग आटा और डाटा भी फ्री देने का काम करेंगे। पौष्टिक आटा और आपको डाटा। अखिलेश की मुश्किल यही नहीं है, मुश्किल तो मैनपुरी सीट पर भी बढ़ गई है। सपा पर आरोप लगता है कि पूरा इकोसिस्टम MYMY करता है, दूसरों को कुछ नहीं समझता है। शनिवार को समाजवादी पार्टी के रोड शो में डिंपल यादव मौजूद थी, उनके साथ अखिलेश यादव भी थे। लोगों से वोट की अपील कर रहे थे, लेकिन रोड शो के खत्म होने के बाद समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता बेकाबू हो गए और पार्टी का झंडा लेकर महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर चढ़ गए, फिर वहां अभद्र शब्दों का इस्तेमाल किया। राजपूत महाराणा प्रताप से सीधे कनेक्ट करते हैं, गुजरात राजस्थान यूपी हिमाचल में राजपूत मैटर करते हैं। कल राष्ट्रनायक महाराणा प्रताप की मूर्ति के साथ जिस प्रकार का अपमानजनक और अवमाननापूर्ण व्यवहार समाजवादी पार्टी के नेताओं का था, वह अत्यंत निंदनीय है। मैं इस कृत्य की भर्त्सना करता हूं, और ये केवल समाजवादी पार्टी का नहीं, यही महाराष्ट्र के अंदर राहुल गांधी के साथ भी था। छत्रपति शिवाजी महाराज का एक मूर्ति उनका एक समर्थक उन्हें देना चाहता था, राहुल गांधी ने लेने से इनकार कर दिया। यानी ये राष्ट्रनायक का सम्मान नहीं, ये आतंकियों का महिमामंडन करेंगे, पाकिस्तान का महिमामंडन करेंगे, माफिया और अपराधिक प्रवृत्ति के तत्वों का जो समाज की सुरक्षा के लिए, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा के लिए खतरा बने हुए हैं, उनका ये महिमामंडन करेंगे। मोदी ऐसे ही 400 सीट के लिए एज करते हैं। राम मंदिर 400 सीट का ट्रिगर पॉइंट है। नरेंद्र मोदी अगर राम मंदिर दोबारा जा रहे हैं तो बड़ा मैसेज पहुंचा रहे हैं। 3 महीने राम मंदिर बने हो गए, वापस याद दिलाना है। मोदी आया था, उसी ने राम मंदिर बनवाया था। आगे तीसरे फेज की लड़ाई है नरेंद्र मोदी के लिए। ये फेज फैसला कर देगा कि 272 या 300 पार या 400 अभी मुश्किल है। लोकसभा के दो फेज का चुनाव समाप्त हो चुका है। दो फेज में मोदी जी सेंचुरी लगाकर बहुत आगे निकल चुके हैं, और तीसरे फेज में 400 पार की ओर आगे बढ़ने वाले हैं।